भूतपूर्व सैनिकों ने एक सुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून हटाए जाने का विरोध करते हुए इस पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इसे सेना को डुबाने वाला कदम बताया है। उन्होंने एक बैठक कर सभी राजनीतिक दलों से सैनिक संबंधी निर्णयों से पूर्व उनसे विचार विमर्श किए जाने का अनुरोध किया। ऊना में भूतपूर्व सैनिकों ने एक सुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून हटाए जाने का विरोध करते हुए इस पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इसे सेना को दबाने वाला कदम बताया है। उन्होंने एक बैठक कर सभी राजनीतिक दलों से सैनिकों संबंधी निर्णयों से पूर्व उनसे विचार विमर्श किए जाने का अनुरोध किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 60,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक परिवार जीत हार में अहम रोल निभाते हैं। इन भूतपूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन के क्रियान्वयन से संतुष्टि व्यक्त करते हुए इसे पूर्णतः लागू किए जाने की बात कही है। ऊना में भूतपूर्व सैनिकों ने एक संयुक्त बैठक कर देश के तमाम राजनीतिक दलों से सैनिकों के हितों संबंधी निर्णय लिए जाने से पूर्व उनसे विचार विमर्श किए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान सभी भूतपूर्व सैनिकों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून के हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने इसे सेना को दबाने वाला और देशद्रोहियों को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। गौरतलब है कि ऊना में 15,112, हमीरपुर में 28,222, बिलासपुर में 10,560, देहरा में करीब 5,000 और धर्मपुर में करीब 2,000 भूतपूर्व सैनिकों सहित पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 60,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं। जाहिर है कि ये चुनाव परिणाम में बेहद अहम रोल निभाते हैं और जीत हार को तय करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। लेकिन मोदी सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन के क्रियान्वयन से इन भूतपूर्व सैनिकों ने बेहतर बताते हुए इस पर संतुष्टि व्यक्त की, लेकिन साथ ही इसे पूर्णतः लागू किए जाने की बात कही। मेरी अपनी विचारधारा ये है कि जो देशद्रोह कानून है वो रहना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा बदनसीबी है कि फौजियों जो हैं उनके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं और फौजी के पास राइफल है और वो बेचारा मार खाने के लिए मजबूर है। तो कानून जो है इसराइल टाइप कानून होना चाहिए। यदि किसने पत्थर फेंका तो उसको जो है जवाब जो है उसको उचित जवाब जो है उसको मिलना चाहिए। मैं तो एक फौजी के नाते भी और एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते भी मैं ये मानूंगा कि ये देशद्रोह की जो क्लॉज लगाई गई है शुरू से ही ये रहनी चाहिए, क्योंकि देशद्रोह अगर देश के ऊपर द्रोह करने वाले को मुकदमा नहीं चला तो देश ही खत्म हो जाएगा, देश की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो उस सिक्योरिटी को बनाने के लिए देशद्रोह का मुकदमा खत्म नहीं करना चाहिए, देशद्रोह का एक्ट रहना चाहिए हमेशा। अगर इसमें कोई कमियां या कुछ नजर आ रहा है तो उसमें पार्लियामेंट में बैठ के विचार करना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन जो मोदी सरकार कहती है कि लागू किया है, इसमें कोई शक नहीं है, किया उन्होंने। 1983 से पूर्व सैनिकों ने ये केस जीता था, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं दिया है। जो हमीरपुर और ऊना और इसकी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, मंडी का लोअर पोर्शन और कांगड़ा का देहरा पोर्शन, जो कि हमारी हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी को पूरी को कवर करता है, इसमें तकरीबन 60,000 से लगभग अधिक 60,000 से कुछ अधिक जो पूर्व सैनिक व उनके परिवार हैं। वन रैंक वन पेंशन का पहले से फायदा हुआ जी, जो ओल्ड पेंशन थी उसमें फायदा हुआ है, छोटी मोटी कमी है उसको जो है पूरा किया जा रहा है। देशद्रोह का जो कानून है उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देशद्रोह का कानून खत्म करने से जो द्रोह देशद्रोह की जो घटनाएं और बढ़ेंगी और इसका जो है हमारी आम पब्लिक के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये बना रहना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।